तकबीर, नारे रिसालत, तेरा शाही मेरा शाही। अल्लाह ताला के 99 नाम है, एक जाती है, 98 सिफाती है। 98 सिफाती मिलकर भी इसमें जात को नहीं पहुंच सकते। वो 1,24,000 नबी सिफाती इसमें इसमें जात वाले, सिफाती इसम वाले मिलकर भी इसमें जात वाले को नहीं पहुंच सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या है, ए अल्लाह दीदार दे, जवाब आया ताब नहीं है। कहने लगे किसी में ताब होगी, जवाब आया एक मेरा हबीब और उसकी उम्मत। तो मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया, मैं नबी होके उम्मती के बराबर नहीं, जलवा दे देखी जाएगी। जलवा परा, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम या रहमानों का सिफाती इस्म का जिक्र करते थे और उनके जिस्म में जो नूर आया वो भी सिफाती नूर आया। और क्या वजह है कि मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में कोतूर में बेहोश हुए और हजूर पाक सामने जाके मुस्करा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म में या रहमानों का सिफाती नूर था, वो जात की ताब ना ला सका, और हजूर पाक के जिस्म में इसमें जात का जाती नूर था, जात जात के सामने मुस्कराया, और हजूर पाक के तुफैल वो इस्म इस उम्मत को मिला, तब इसको फजीलत हुई। और उम्मत इससे डरती है या महरूम है। बनी इसराइल के नबी रश करते हैं इस उम्मत के ऊपर, वो दीदार को तरसते रहे, ये कहते हैं हम दीदार करते हैं। अगर इनको फजीलत है तो इसमें जात से है। हजरत इब्राहिम बिनोद फरमाते हैं मैंने 70 मरतबा अल्लाह का दीदार किया है। हजरत इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं मैंने 99 दफा अल्लाह को देखा है। सुल्तान साहब फरमाते हैं इधर देखता हूँ मखलूक नजर आती है, ऊपर देखता हूँ अल्लाह नजर आता है। तेरा शाही मेरा शाही, दुनिया पर है किसकी शाही। ये इसमें जात किसी नबी को नहीं मिला, मिला तो हजूर पाक को मिला। हजूर पाक के बाद 9 सहाबा कराम को मिला जिन्होंने इसको फैलाया। ये चश्ती नक्शबंदी कादरी उसी में से आते हैं, पहले 9 थे अब 4 रह गए, 4 भी एक कट गया सरवरदी, 3 रह गए, 3 रह गया अब। अच्छा फिर 9 सहाबा से फिर उन 12 इमामों को जो वक्त के गौस थे इज्तमाई तौर पर फिर उनको दे दिया गया, फिर उन्होंने इसको फैलाया, फिर 12 इमामों से लेके इनफरादी तौर पे गौस पाक को दे दिया गया, तब आप गौस आजम कहलाए। अब फिर गौस पाक को हुक्म हुआ कि अब तुम इसको आगे फैलाओ। अब फिर गौस पाक ने फिर वलियों को फैलाना शुरू कर दिया। अब जो इसमें जात गौस पाक के पास है, आपको कहीं से भी हासिल हो जाए समझें कि आप गौस पाक से ही आपको इसमें जात हासिल हुआ है। फिर जब ये वलियों तक पहुंचा, उनके सीनों तक पहुंचा, फिर इसके बाद ये बिगड़ना भी शुरू हो गया। बिगड़ा कैसे, वली था इसमें जात लेके आया, लोगों को इसमें जात सिखाया, कलब का इसमें जात सिखाया, जब वो दुनिया से चला गया उसका बेटा वली बन के बैठ गया। वलायत विरासत नहीं थी, अगर विरासत होती तो नबूवत होती ना, भाई नबूवत होती ना, विरासत नबूवत आला मकाम है ना वलायत से, अगर नबूवत विरासत नहीं है तो वलायत कैसे विरासत हो सकती है। अगर नबी का बेटा नबी नहीं हो सकता तो वली का बेटा वली कैसे हो सकता। वाह सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ, फिर उसका बेटा वो वली बन के बैठ गया। वो सदियों से ये रस्म चलना शुरू हो गई, हो सकता उनमें कोई एक आध वली आ भी जाए लेकिन सारी उनकी सारी औलाद वली तो नहीं हो सकती है ना। अब हमारे लोग उन गए जाके बैत होने शुरू हो गए, जाके पूछा कुछ सुना था कि कलब का भी मामला होता है। कहने लगे ये तो बड़ा मुश्किल काम है, जंगलों में जाना पड़ता है, ये तो बड़ा जलाली है, तू पागल हो जाएगा, क्या तू जंगल में जाएगा, बेहतर है कि तू वो शजरा शरीफ पढ़ लिया कर, हाँ बस इसी से रब पे तुझ पे राजी हो जाएगा। वो बेचारा सारी उम्र शजरा शरीफ पढ़ता रहा, शजरा शरीफ से सिर्फ शनाख्त हुई ना कि उस वली की किस किस से नस्बत है, और तो उसमें कुछ नहीं है ना, सिर्फ शनाख्त ही ना। वो शजरा शरीफ पढ़ता रहा, आखिर में उसने भी घर में वो रख दिया एक तरफ। फिर आगे
हमारे आमल थे, उन्होंने देखा ये खाली पीली गद्दी नशीन से ज्यादा नशीन, अगर ये बैत कर सकते हैं तो हम बैत नहीं कर सकते। वो हमारे तावीज लिखने वाले, उन्होंने बैत करना शुरू कर दी। जब बैत करना शुरू कर दी तो मरीदों ने कहा भैया कलब का सिलसिला, उन्होंने कहा बस ये है कि खलके खुदा को राजी रखो, उनको फैज पहुंचाओ और ये तावीज लिख के उनको दो, बस इसी में अल्लाह मिल जाएगा। वो भी तावीज लिखना शुरू हो गए। ख्याल अब इधर चला गया ना तावीजों की तरफ, उनका ख्याल शजर की तरफ चला गया ना, वो अल्लाह को भूल ही गए ना। उसके बाद हमारे आलमों ने देखा भाई हम तो इनसे बेहतर हैं, इतना इलम जानते हैं, अगर इन्होंने 10-20 आदमी पीछे लगा लिए तो हम नहीं कर सकते ऐसा। वो आलमों ने बैत करना शुरू कर दी। जब आलमों ने बैत करना शुरू कर दी तो मरीदों ने कहा कि कुछ कलब का मामला, बस मंतक सीख लो, फलसफा सीख लो, बहस करना सीख लो। फिर क्या हुआ कि नीम हकीम खतरे जाम, नीम मुल्ला खतरा ईमान। तेरा शाही मेरा शाही, दुनिया पर है किसकी शाही, मेरा माही तेरा माही। फिर वो जो उनके मरीद थे वो बहस मुबासे में लग गए, हर जगह बहस मुबासे शुरू हो गया। फिर हमारे मुफ्तियों ने देखा ये तो हमारे शागिर्द थे आलम, इनके इतने मरीद हो गए तो हम क्यों पीछे रह जाए, उनके हम भी बैत करते हैं जी, आ जाओ। तो बैत शुरू हो गई। उन्होंने फिर क्या किया, फिर अपने शागिर्दों को वो फतवा सिखा दिया कि जो भी जरा हिले जुले उस पर फतवा लगा देना, हमारे बगैर जो भी हिले जुले उस पर फतवा लगा देना, और तुम इसका सबूत हम तुम्हें देते हैं। अभी रूहानी सफर को देख लो, इसके ऊपर जो फतवे लगाए उन्हीं के शागिर्दों ने लगाए ना भाई, उन्हीं मुफ्तियों के शागिर्दों ने फतवे लगाए ना, और उसके पढ़ पढ़ के देखो आया इसमें फतवे लगते हैं या नहीं। लब्बैक लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद लल जिहाद अल जिहाद। अब उम्मत बिल्कुल इस मिजाज से दूर चली गई। अब उनको पता ही रहा कि इस मिजाज भी होता था, कहने लगे होता था लेकिन पुराने जमाने में, अब नहीं है। लेकिन जिस दिन ये इसमें ज़ात दुनिया से चला गया, दुनिया को हक ही नहीं है जिंदा रहने का, उसी दिन क्यामत को आ जाना है। ये इसमें ज़ात हर जमाने में, सिर्फ एक इसकी शनाख्त नहीं है। इस वक्त जितने भी आदमी हैं किसी न किसी से बैत होंगे, हर शख्स अपने पीर को वली समझता, तब उसे बैत हुआ ना, क्योंकि बैत वली की होती है। अब सारे तो वली नहीं हो सकते हैं ना, सबके पीर वली नहीं हो सकते हैं। इस वक्त दुनिया में 360 वली होता है, 40 अब्दाल होता है, अब्दाल को भी इजाज़ नहीं है कि वो बैत करे, सिर्फ गौस और कुतुब, एक गौस तीन कुतुब वो अब्दाल, एक गौस तीन कुतुब वो बैत के मोजाज हैं या उनके आगे खलीफे। अब जिधर भी जाओ गौस जमान और कुतुब जमान, गौस जमान और कुतुब जमान। अब इनको पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया, वली को वली पहचानता है, वली को वली पहचानता है, चोर को चोर पहचानता है। इनको पहचानने के लिए सबसे पहले तुम्हें जाकर कल्बी बनना होगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दिल की धड़कनों को अल्लाह अल्लाह में लगाना होगा। हदीस शरीफ में है कि वली की पहचान जिसकी महफिल में अल्लाह अल्लाह शुरू हो जाए। जब तुम्हारी दिल की धड़कने अल्लाह में लग जाएंगी, फिर यहाँ नजदीकी दरबार है अब्दुल्ला शाह गाजी का, वहां चले जाना, वहां भी अल्लाह है यहां भी अल्लाह है। जिस तरह बादल टकराते हैं गिड़गड़ाहट भी होती है, इसी तरह जब अल्लाह अल्लाह टकराता तो रिकत भी होती है, तुम्हारे दिल में रिकत पैदा हो जाएगी, तुम्हारा जिक्र तेज हो जाएगा, समझ जाओगे ये वली है। फिर दूसरी दरबार पे चला जाना, सेवन शिव चले जाना, वहां भी अल्लाह यहां भी अल्लाह, वहां भी रिकत पैदा हो जाएगी, दिल की धड़कन अल्लाह अल्लाह तेज हो जाएगी, समझ जाओगे कामल है। फिर अपने मुर्शिद के पास चले जाना, मुर्शिद के पास चले जाना। अगर वहां भी जाने से वही चीज होती है जो सेवन शिव में हुई थी या गाजी बाबा पे हुई थी, फिर तुम्हारा मुर्शिद कामल है।
फिर जान भी जाती है जाने देना उसको नहीं छोड़ना है। मेरा माही तेरा माही, तीनों दुनिया की भलाई। फिर तुम जैसे भी हो परवाह नहीं। सुल्तान साहब ने फरमाया अच्छा असा मुर्शिद फड़िया आपे लासी सारा हो, कि हमने मुर्शिद को पकड़ लिया अब वो खुद ही हमारे गुनाहों को माफ कराएगा, साफ कराएगा, हमारे दिल को जंग उतारेगा। बल्कि ऐसे मुर्शिद के लिए हदीस है कि योम मैशर में चमक रहेंगे एक कोने पे नबियों की तरह। लोग कहेंगे पता नहीं ये कौन सा नबी है, आवाज आएगा नबी नहीं वली था। लोग कहेंगे वली तो हर जमाने में होता है, देखे तो जाके सही पहचान जाएंगे। एक कहेगा ऐ अल्लाह मैंने इसको वुजू कराया था, चलो बख्श दो। एक कहेगा ऐ अल्लाह मैंने इसको खाना खिलाया था, चलो बख्श दो। एक कहेगा ऐ अल्लाह मैंने इसको कपड़ा दिया था, चलो बख्श दो। हजारों गुनहगार इसी तरीके से बख्शे जाएंगे। और जिनको उनने खरीदा हुआ होगा, जो उसके मरीज होंगे जिनको खरीदा हुआ होगा, फिर वो जिधर जाएगा उधर उनको भी लेके जाएंगे। बनके मस्त मलंग रहेंगे, दुनिया वाले तंग रहेंगे। फिर आप अपने मुर्शिद के पास जाते हैं, बार बार जाते हैं, बार बार जाते हैं, वो कुछ भी नहीं होता, तो फिर वो कामल नहीं है ना, तो फिर तो हम ही निकम्मे ही है ना। तो फिर सुल्तान साहब ने फरमाया उसको बोरी में बंद कर देना, तो यहाँ कराची में समुंदर नजदीक है वहां जाकर फेंक देना। वो कहते हैं कि वो 16 मखलूकों के कातिल है, वो तुम्हारे अंदर वो जो 16 मखलूकें थी जिन्होंने रब तक पहुंचना था, रब तक ये जिस्म नहीं जाता है, वो मखलूकें जाती हैं। तुमने बैत करी अल्लाह को पाने के लिए बैत करी, शख्सियत पाना मकसद नहीं, मकसद तो रब पाना था। उसने वो 16 मखलूकें जाया कर दी। अगर उसके 1000 मरीद हैं तो 16000 का कातिल है ना, फिर कातिल वो ऐसी मखलूकें थी। अल्लाह ताला फरमाता है मेरी कुछ ऐसी मखलूक है जिसको मेरे सिवा कोई नहीं जानता और जिसके अंदर है वो भी नहीं जानते। और वो मखलूक जब अपने हाथ नूरी हाथ उठाती है अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमाता है। और वो मखलूक थी तुम मर भी जाते और वो मखलूक क़यामत तक तुम्हारी जगह अल्लाह करती रहती। वो उन 16 मखलूकों का कातिल है। तो फिर बताओ जिधर वो जाएगा तुमको उधर लेके जाएगा। अब वलियों के लिए क्या है जो वली बने हुए हैं, जिस तरह झूठी वलायत का दावेदार, झूठी नबूवत का दावेदार काफर है, नबी नहीं है लेकिन अपने आप को नबी समझता है काफर, उसको मानने वाले भी काफर हो जाते हैं। इसी तरह अगर कोई वली नहीं है अपने आप को वली समझता है तो फिर वो कुफर के नजदीक पहुंच जाता है और उसको मानने वाले कमबख्त और बेनसीब। अब और वली क्या है, ये सारे अपने आप को वली समझते हैं, फिर वली क्या है? वली फिर वही है, अगर आपकी नवाज शरीफ से दोस्ती है तो नवाज शरीफ से बातचीत हो और उसको देखा हुआ, ना देखा है ना बातचीत है, कहते हैं मेरा दोस्त है, झूठ है ना। वली अल्लाह, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह से बातचीत हो अल्लाह को देखा हुआ, वो वली अल्लाह है। ना अल्लाह को देखा है ना उसे बातचीत करता है, वो कहता है कि मैं उसका दोस्त हूँ, कितना बड़ा फ्रॉडी है। तेरा शाही मेरा शाही, दुनिया पर है किसकी शाही।